हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका बिहार पुलिस 2020-19 का रिजल्ट आउट हो चुका है। जी हां दोस्तों, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट ने चेक भी कर लिया है, बहुत से कैंडिडेट पास हुए हैं और बहुत से कैंडिडेट फेल भी हुए हैं। तो दोस्तों, जो जो कैंडिडेट फेल हुए हैं उनको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके आप जल्द ही नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है 2020 में ही, उसकी तैयारी के लिए आप चैनल पे बने रहें, यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी पूरी। और जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनके लिए बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा कट ऑफ कितना गया है, प्लीज कुछ बताइए, वीडियो बनाइए कट ऑफ पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कट ऑफ पर मैं वीडियो तो अभी यही बना रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं मैंने बना दी है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, आपको कट ऑफ जानना है तो 100% एक तरीका है जिससे कि आप अपना कट ऑफ जान सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिरकार आप बगैर आरटीआई लगाए, बगैर लंबे टाइम तक रुके आप अपना कट ऑफ कैसे जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आखिरकार आप कैसे जान सकते हैं कि आपका कट ऑफ कैसा कितना गया है, किस कैटेगरी के, चाहे फिर वो आपका ईआर का हो, ओबीसी का, एससी एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, या फिर आपका ईबीसी या फिर आपका बीसी, किसी का भी कट ऑफ हो, आखिरकार कितना गया है आप सब कुछ जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपको क्या करना होगा इसके लिए। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े, आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो प्लीज लाइक जरूर करें। दोस्तों, लाइक में कंजूसी ना करें, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे क्या करना होगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आ गया हूँ यूआर एग्जाम गोली के कम्युनिटी सेक्शन पर। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी सेक्शन, जहाँ पर एक फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कराई है यूट्यूब ने, वो इसी समय के लिए रहती है ताकि आप लोग को समय से पहले कोई चीज हम प्रोवाइड करा सकें। जी हाँ दोस्तों, आपको एग्जैक्ट पोल के नतीजे हम पेश करा चुके हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्रिएट किया है क्या बिहार पुलिस एग्जाम में आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ, कमेंट करो। यहाँ पर फीमेल के लिए बोला गया है ओनली यूआर कैटेगरी की। जी हाँ दोस्तों, यूआर कैटेगरी की फीमेल है, अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कमेंट सही सही करें। और जी, आपको सिर्फ यूआर कैटेगरी से बिलोंग करें तभी कमेंट करना है, और अदर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो बिल्कुल कमेंट ना करें। यदि यूआर का पता चल जाता है तो आप -2 -2 करके देख लेना, समझिए कि आपका कट ऑफ इतना ही गया है, इतना ही डिफरेंस रहता है, कुछ ज्यादा नहीं। आपके यदि 30 से लेकर 40 के बीच है तो आपको फर्स्ट चूज करना है, यदि आपके 40 से 45 के बीच है तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, यदि आपके मार्क्स 45 से 50 के बीच है तो आपको थर्ड, यदि आपके मार्क्स है 50 से 55 के बीच तो आपको फिफ्थ, यदि आपके मार्क्स है फोर्थ नंबर, या फिर आपके मार्क्स है 50 से 60 के बीच तो आपको फिफ्थ नंबर चूज करना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा वोट जहां पे गिरेंगे हम समझ जाएंगे कि कट ऑफ यही गया है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप पास हुए हैं तभी यहाँ पे कमेंट करें। जी दोस्तों, कान खोल कर सुन लेना, यदि आप पास हुए हैं तभी कमेंट करें, और यदि आप जनरल से या यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपको यहाँ पर कमेंट करना है, और फीमेल आप हुए तभी। ये तीन चीजों का ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम मेल का देख लेते हैं कि आखिरकार आप मेल है तो क्या करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बिहार पुलिस एग्जाम में आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ, कमेंट करो, एसटी कैटेगरी वाले। तो दोस्तों, आप यदि एसटी कैटेगरी से हैं तभी आपको कमेंट करना है, और आप मेल है तभी कमेंट करना है। अदर कैटेगरी से हैं तो आपको कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, ओनली एसटी मेल, और वो भी जो पास हुए हैं, ना कि जो फेल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पास हुए हैं उनको कमेंट करना है, प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि हम यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकें कि आखिरकार कितना गया है आप लोगों का कट ऑफ। 50 से 55 के बीच फर्स्ट चूज करना है, 55 से 60 के बीच सेकंड, 60 से 65 के बीच थर्ड, और आपका 65 से 70 के बीच फोर्थ, और यदि आपका सिलेक्शन हुआ है 70 से 75 के बीच में तो आपको पांचवा नंबर यहाँ पे चूज करना है। प्लीज इस पोल को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक कमेंट्स हमारे पास आ सकें, और जैसे नतीजे निकलते हैं हम आपको बता सकें कि आपका कट ऑफ कितना गया है, किस कैटेगरी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप थोड़े और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कम्युनिटी टैब पर, तो आपको यहाँ पर देखेगा बिहार पुलिस एग्जाम में आपका सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ है, कमेंट करो, एससी कैटेगरी वाले। आप दोस्तों, एससी का है यहाँ पे तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाई गई है। यदि आपका सिलेक्शन हुआ है एससी कैटेगरी से, मेल है कितने पे, 45 से 50 के बीच, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना, यदि आपका 50 से 55 के बीच हुआ है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, यदि आपका सिलेक्शन 55 से 60 के बीच हुआ है तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है, यदि आपका सिलेक्शन 60 से 65 के बीच हुआ है तो आपको फोर्थ ऑप्शन चूज करना है, यदि आपका सिलेक्शन 65 से 70 के बीच हुआ है तो आपको यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन चूज करना है। प्लीज वही व्यक्ति यहाँ पर कमेंट करें जो कि
मेल हो और SC कैटेगरी से हो और जिनका सिलेक्शन हुआ हो। अदर किसी को कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे थर्ड नंबर पे यहाँ पे बिहार पुलिस एग्जाम में आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हुआ है, EBC वालों से पूछा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, आपके जितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है आपको वो टिक करना है। जैसे कि दोस्तों यदि आपका 60 से 65 के बीच हुआ है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, यदि आपका सिलेक्शन 65 से 70 के बीच हुआ है तो आपको सेकंड, यदि आपका सिलेक्शन 75 से 80 के बीच हुआ है तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है, यदि आपका सिलेक्शन 80 से 90 के बीच हुआ है तो आपको फोर्थ, यदि आपका सिलेक्शन 90 से 95 के बीच हुआ है तो आपको फिफ्थ ऑप्शन चूज करना है। बट दोस्तों ध्यान रखना, यदि आप EBC से बिलोंग करते हैं तभी आपको यहाँ पर टिक करना है, वोट देना है, और यदि आप मेल हैं तभी वोट देना है, पास हुए हैं तभी वोट देना है। इन चीजों का बस ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा बिल्कुल रिजल्ट 100% पक्का डन आएगा, 100% आएगा कि कट ऑफ कितना गया है। नेक्स्ट आता है कि आप बिहार पुलिस एग्जाम में आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ है, कमेंट करो। आप BC वालों के यहाँ पर कमेंट करना है। तो दोस्तों BC वाले यदि आपके 50 से 55 हैं, मेल हैं आप, तो आपको यहाँ पर टिक करना है, जी हाँ दोस्तों पास हुए हैं तभी, ओके। और यहाँ पर आप 60 से 65 हैं तो टिक करना है, 70 से 75 हैं तो टिक करना है, 80 से 85 हैं तो टिक करना है, 85 से 90 हैं तो टिक करना है। हम देखते हैं कि आखिरकार कितना गया है आप लोगों का कट ऑफ, ओके। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बिहार पुलिस एग्जाम में आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ है, कमेंट करो। UR वाले यहाँ पर कमेंट करेंगे जो कि मेल हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और अदर कैटेगरी से हैं और मेल नहीं है तो उनको यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है कमेंट करने की। प्लीज इस चीज का पालन करना, तभी यहाँ पर हमारे पास 100% आंकड़े आएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि आपका कट ऑफ कितना गया है। और यदि आप लोग यहाँ पर लापरवाही करेंगे, हंसी मजाक में लेंगे, कुछ गलत टिक कर देंगे, जो पास नहीं हुआ वो भी टिक कर देंगे, तो यहाँ पर त्रुटि होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यदि आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो जैसा मैंने बोला है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यदि आप 55 से 60 के बीच है तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड आपका 60 से 70 के बीच है, थर्ड ऑप्शन 70 से 75 के बीच है, फोर्थ ऑप्शन आपका 75 से 80 के बीच है, और आपका फिफ्थ ऑप्शन 85 से 90 के बीच है यदि आपके मार्क्स हैं। आई थिंक 90 को क्रॉस नहीं कर रहा होगा आपका कट ऑफ, ओके। इतना मैक्सिमम है और इतना मिनिमम है, इतनी की रेंज होगी होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज इस चीज को फॉलो करें और अभी कमेंट करें फटाफट, और इस वीडियो को बिल्कुल धुआं की तरह फैला दें, हर एक कैंडिडेट को भेज दें ताकि हमारा पोल अच्छे से अच्छा क्रिएट हो और अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमारे पास आ सकें। अब दोस्तों अंत में यही बोलना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करें, कुछ पैसा भी कमाएं, तो दोस्तों हमारे चैनल पर प्रत्येक संडे यहां पर पैसा कमाओ जीके कोच चलती है, जिसमें आप अपने एग्जाम की तैयारी के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप रजिस्टर कराना चाहते हैं नेक्स्ट संडे के लिए, तो आप प्लीज लिंक पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपका अगले संडे टेस्ट होगा, जो भी टॉप 10 विनर होंगे 50 से लेकर 50,000 तक की इनकम वो कर सकते हैं। हालांकि कल टेस्ट हुआ था 7 तारीख को, उसके अभी विनर के नाम शो होने वाले हैं जस्ट थोड़े टाइम बाद। जैसे कि फर्स्ट विनर आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल साहू जी हैं, जी हाँ दोस्तों ये फर्स्ट विनर हैं कल की क्विज के। यदि आप भी चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना तो आप प्लीज कराइए, आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पर आप रजिस्टर करा लीजिए। इसके साथ साथ आपकी जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी अभी हमारे चैनल पर होती है, तो जल्द से जल्द GK की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। यदि आप चाहते हैं तैयारी करना अच्छे दिल से तो दोस्तों आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको 100% गारंटी है कि सफलता जरूर मिलेगी, ओके फ्रेंड्स। तो लेते हैं आपसे विदा, यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कमेंट से तो भेजा करिए। और हाँ एक चीज, यदि आप चाहते हैं कि सर आप मेरी RTI लगाइए, आप मेरा अकाउंट बनाइए, तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा, मैं RTI लगाऊंगा, अकाउंट बनाऊंगा, ओके। तो प्लीज कमेंट अवश्य करना। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। हालांकि दोस्तों आपको पहले ही बता दूं, आप RTI लगाएंगे तो उसका कुछ चार्जेस लगता है, वो चार्ज आपको देना होगा, बट आप कमेंट करेंगे, आप बताएंगे मैं यहां से बिलोंग करता हूं, सर मुझे RTI लगवानी है, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन की फीस, मतलब कि जो वहां पर चार्ज लगता है वो पे कर देना, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। जैसे ही RTI का रिप्लाई आएगा आपको पता चल जाएगा, ईमेल आईडी वगैरह मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, बट आपको कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ओके फ्रेंड्स। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।